Hello students, today we are going to start English Grammar Chapter 6 Short Forms. Let's start our chapter. In English, particularly in colloquial English, we use some short forms. For example, हम English में ज़्यादातर मतलब particularly colloquial English होती है, हम उसमें short form का इस्तेमाल करते हैं. Example, am becomes am in. जैसे I am अपन लिखते हैं तो उसको अपन I, n लिख सकते हैं. Is become apostrophe s, are become apostrophe re, not become not comma t, has become comma s. ये सब हमारे short forms होते हैं. Have को हम comma v लिख सकते हैं. Will को हम comma double l लिखते हैं. Will not को won't लिखते हैं. Let us को let's लिखते हैं. Note that we can't use a positive short form at the end of a sentence. हमारे जो पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म होते हैं, हम उनको कभी भी सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल नहीं करते. आई एम नॉट अ डांसर बट चैरलिस. अब हम इसमें चैरलिस को पूरा लिखेंगे, बट हम अगर इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर नहीं लगा सकते थे कि आई एम नॉट अ डांसर बट चैरलिस. हमें हमेशा जो एंड में लिखना होता है वो हमेशा हम फुल फॉर्म में ही लिखते हैं. बट अगर हम किसी चीज़ को बीच में लिखते हैं तो हम उसमें शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. But we can use a negative short form at the end of a sentence. Has Sana a car? Yes, she's. Has Sana a car? No, she hasn't. ये सब हमारे होते हैं. जो हमारे negative short forms होते हैं, हम उनको sentence के end में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि has Sana a car? क्या सना के पास कार है? यस शी इज. ये नहीं लिखेंगे, पर यस शी इज़ होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है. अगर हम नेगेटिव करते तो क्या होता है? सना कार? क्या सना के पास कार है? नो शी हैजेंट. तो हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते थे.